मैंने अपनों का असली चेहरा देख लिया है, यहां कोई किसी का नहीं। ये वो गिद्ध है जो मेरे मरने के बाद भी मेरी खाल में से नोच नोच के पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अपने मरने से पहले अपनी तेरी करके ही मरूंगा। अरे तुम कौन और ये क्या ड्रामा बाजी है? बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो और ड्रामा मैं कर रही हूँ? अरे ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो, जो सेठ जी की बीवी यानी कि मुझे नहीं पहचान रहे। लेकिन वो तो कुंवारे थे, उन्होंने तो हमें कभी बताया नहीं। वो कौन है? मैं तो उसे जानता ही नहीं। लेकिन उसने तो आपकी शादी के आपके साथ पूरे फोटोग्राफ भी दिखा दिए, फिर वो कौन सा है सेठ जी? अब तुम कौन भाई? सेठ जी का इकलौता लड़का चंदन। क्या कहा? अब मेरा एक बेटा भी आ गया हिस्सा मांगने। बस यही तो सोचने का विषय है सेठ जी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ये आपकी किसी भूल का परिणाम तो नहीं है? इस प्रॉपर्टी में मेरा बराबर का हिस्सा है, समझी? अच्छा, इस हवेली में भी? हाँ। और इस पलंग में भी? जी हाँ। इस तकिए में भी? हाँ भाई हाँ। तो फिर ठीक है, अभी के अभी मुनीम को बुलाओ, वो ही इस चादर के दो टुकड़े करेगा और तकिए के भी। क्या हुआ जी, इन चुड़ैलों को बाहर निकालने का कुछ रास्ता सूझा या नहीं? हाँ, इनके इलाज मैंने कर लिया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, जेठी जिंदा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शेर जी वहां से उठाओ और अपने पुराने अंडे पे बांध के रखो उसे, जब तक मैं वहां पहुंचता हूँ मैं भी वहां पहुंचता हूँ। भाषण बंद कर, अगर तूने मेरे तीन गिनने तक इन पेपरों पर साइन नहीं किए तो मैं गोली चला दूंगा। एक, दो,